आज मैं स्टेज पर खड़ा हूं और आप सब लोग मुझे देख रहे हैं, कुछ तो अच्छा किया है। डोंट फॉरगेट द रूट्स, रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहां जब मैं दिल्ली बॉम्बे में आया 3 जून 1981 को, मैं गोल्ड मेडलिस्ट था ड्रामा स्कूल से, गोल्ड मेडलिस्ट मोहन राकेश गोल्ड मेडलिस्ट। यहां उतरा तो मैं फटीचर था। 3 जून 1981 वीटी स्टेशन पर उतरा और देखा लाखों की भीड़ में मैं एक अकेला हूँ, और मतलब आई एम अ पार्ट ऑफ अ क्राउड, आई एम नॉट सेपरेट, आई एम ऑन व्हाट विल आई डू। तो हमारे यहाँ स्लॉट कर देते हैं जिंदगी में, लोग आपको स्लॉट कर देते हैं, आप ऐसे लगते हैं कि जी आप राइटर बन सकते हैं, क्योंकि आधा गंजा पतला और नहीं गंजा डिस्क्राइब कर रहा बट अच्छा आपके जज्बात समझता हूँ मैं, आप वर्दी में दोबारा इनके लिए ताली मारो इस बार। तो जो मुझे देख के थे, देख के बोले सीधा कि जी आप तो आप राइटर बन जाइए जी, असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाइए, एक्टर कहां से बन सकते हैं, एक्टर होने के लिए बाल होने चाहिए, बाल का एक्टर से क्या लेना देना। नहीं नहीं ऐसा ही होता हमारे हिंदी फिल्मों में 1980s में ऐसा ही होता था, बाल नहीं है तो आप एक्टर नहीं बन सकते। तो 3 साल जो मैंने काटे 1981 से 1984 तक, 2.5 साल वो बड़े तकलीफ थे, बड़े गुर्बत के। इसी क्या होता है कि पढ़े लिखे आदमी की बेइज्जती 2 तरह से होती है, एक तो बेइज्जती वैसे ही इंसान की होती है, और अगर पढ़ा लिखा है तो और बेइज्जती होती है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर मैं बैंड्रा ईस्ट में सोया, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग किसी भी सिचुएशन, बिकॉज आप ऐसी जिंदगी में बहुत सारी सिचुएशन को झेलते हैं जिसमें आपका दिल करता है बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन आपको आपकी वर्दी, आपको आपके आपका अनुशासन, आपको आपकी जिम्मेदारियाँ वो करने पर नहीं करने देती, एंड यू स्टिल गो ऑन। आप थोड़ा बोल सकते हैं कि एक्टर लोग बड़ा ये इस्तेमाल करते हैं, मूड नहीं है। अरे उल्लू के पत्ते, मूड नहीं से क्या होता है, क्या कभी किसी सिपाही को बोला है कि मूड नहीं है, देखा बोलते हुए सिपाही कभी नहीं बोलता मूड दे, मूड नहीं है, सिपाही कभी नहीं बोलता कि मैं बोर हो गया। मैंने ये शब्द बोर और मूड पिछले 29 साल से इस्तेमाल ही नहीं किया अपनी लाइफ। उसके रहा 10 दिन सतीश कौशिक के साथ रहा, 10 दिन करण राजदान के साथ रहा, लेकिन बॉम्बे में 10-15 दिन के बाद आदि बोलता है कि आप जाओ ना यार कहीं और रहो ना। तो फिर मैंने एक जगह ढूंढी, तो मेरी जो मकान मालकिन थी उसका पेशा था वो धोबन थी और उसके 3 बच्चे थे, तो जो मैंने जगह ढूंढी वो मेरे ओरिजिनल शिमला वाले घर से भी आधी थी, तो एक कमरा था और एक किचन था। तो कमरे में मैं और मेरे साथ 3-4 स्ट्रगलर लोग सोते थे, और उसको एक पर्दा जो था वो कपड़े का पर्दा सेलेक्ट कर अलग करता था, इस तरफ वो धोबन और उसके 3 बच्चे सोते थे। तो मैंने उसके बड़े बेटे संतोष से पूछा, मैंने कहा संतोष भैया मुझे एड्रेस दे दो यहाँ का, क्योंकि मुझे घर पे भेजना होगा माता पिता को, तो यहाँ का एड्रेस क्या है। तो बोला मारा लिख के देता हूँ, वो ले गया एड्रेस। जब मैंने एड्रेस पढ़ा तो मैं बड़ा मुस्कुराया। आप जानते मेरा एड्रेस क्या था, मेरा पहला एड्रेस मुंबई में अनुपम खेर 2x15 खेरवाड़ी खेर नगर खेर रोड बैंड्रा ईस्ट मुंबई। और मैंने साथ में एक नाई की दुकान थी, उसका लिखा था, नाम लिखा था अनुपम हेयर स्टाइल। तो मैंने कहा अब तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी आई लुक्ड एट ऑल माय मिजरीज, हर परेशानी को मैं सेंस ऑफ ह्यूमर से देखता था, यार ये सेंस ऑफ ह्यूमर है इसमें निकल जाऊंगा। तो जब मैं वो 27 दिन रेलवे स्टेशन पर रह रहा था, तो मैंने एक दिन पूरा रात को आता था, वो 4 बजे सुबह जगाता था, 1:30 बजे तक ट्रेन चलती थी, फिर मुझे बोलते थे चले जाओ उठ जाओ, तो ऐसे नहाना ये सब क्या मैं कर रहा हूँ यार, मैं वर्ल्ड लिटरेचर जानता हूँ, मैं वर्ल्ड सिनेमा जानता हूँ, मैं स्टैनिस्लावस्की टर्चकोव आर्थर मिलर शेक्सपियर इन सबको पढ़ चुका हूँ, और मैं यहाँ पर ये रेलवे स्टेशन पर रह रहा हूँ। तो मैंने अपने दादाजी को चिट्ठी लिखी, उन दोनों चिट्ठियाँ बहुत आदान प्रदान, मैंने कहा दादाजी मैं ये शहर छोड़ के जाना चाहता हूँ हमेशा हमेशा, ये शहर मुझे डिजर्व नहीं करता है, मैं जाना चाहता हूँ, मैं शिमला चला जाऊंगा, दिल्ली चला जाऊंगा, लखनऊ चला जाऊंगा, कहीं जाके मैं टीचर बन जाता हूँ, ये नहीं है, ये बेइज्जती, ये अनडिग्निफाइड लाइफ, ये ह्यूमिलिएशन, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो उन्होंने मुझे एक खत लिखा और उस खत की एक लाइन ने मेरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने खत लिखा कि बेटा तेरे माँ बाप ने बहुत कुछ मेहनत की तेरे लिए, अपनी चीज़ों को बेचा है, तेरे पिताजी ने उनके पास एक अच्छी घड़ी थी वो बेची थी तेरे को पैसा भेजने के लिए, तू 1.5 साल 2 साल रह चुका है बॉम्बे में, रुक जा मत जा, और एक बात याद रख, भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। जो आदमी भीग चुका है
वो तो बाहर चला जाएगा ना, बारिश कितनी पड़ती है तो भीगा हुआ है। That thing changed my life. तो आप सब लोग भीगे हुए आदमी, आप बारिश से नहीं डरते, इसलिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ, इसलिए आपसे बात करनी, वरना चाहता हूँ मोटिवेशन लिस्ट देने जाता हूँ हर जगह जहाँ थोड़ा सा भी कुछ मिलने की संभावना होती है, यहाँ नहीं मिला है। ये जज्बात जो है ये मेरी देन है मेरे माँ बाप की, उन्होंने मेरे को इस तरह से पालतू। तो हम बहुत कोसते हैं, अपने बच्चे हमारे कोसते हैं, क्या मैं इस घर में पैदा हुआ, क्या मैं इस ऐसी जगह गया, मैं हिंदी मीडियम स्कूल में था। अरे ये सब तो मेरे स्टेपिंग स्टोन्स थे, ये मील पत्थर थे मेरी जिंदगी के, जिन्होंने अब ये कितना बड़ा मेरे लिए मुकाम साबित कर दिया। मगर मैं इस बात से इंप्रेस्ड ही नहीं हूँ। मतलब मैडम आपने बहुत बड़ा मेरा इंट्रोडक्शन पढ़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो मेरा पास्ट है, अभी तो टाइम पार्टी शुरू हुई है। मुड़ के देखना ही नहीं है, मुड़ के क्या देखना। सब लोग बोलते हैं बहुत कोशिश करती है दुनिया आपको आपको अपने हिसाब से देखने की, आपको छोटा बनाने की, आपको आप भी अलाउ करते हैं उनको छोटा बनाने के लिए, आप भी अपने आप से खुश नहीं है, इसलिए हम भीड़ का हिस्सा बनते हैं तो अलग हो जाते हैं, भीड़ का हिस्सा नहीं बनते हैं तो हमको घबराहट होती है। ये दुनिया, ये वर्ल्ड जो है आपको पूरी कोशिश करेगा आपको छोटा महसूस कराने की, और अगर आप अपनी खुशी किसी दूसरे को दोगे तो वो पूरी खुशी करेगा कि आप कभी खुशी रहो नहीं। हम हर चीज पे अपना मूड ऑफ कर देते हैं, घर से निकलते हैं तो लिफ्ट वाला आपका मूड खराब कर सकता है, ऑटो वाला आपका मूड खराब कर सकता है, मतलब हमने अपनी खुशी की चाबी जो है हर किसी के इंसान के हाथ में दे रखी है सिवाय अपने हाथ। मैं बादशाह हूं, मैं किंग हूं, मैं अपनी जिंदगी का सरमाएदार हूं, मैं हूं तो सब कुछ है। हमको बताया जाता है जो पोस्ट इंडिपेंडेंस की प्रॉब्लम थी कि अगर आप अपने बारे में सोचते हैं तो आप सेल्फिश। अरे भाई मैं अगर अपने बारे में नहीं सोचूंगा तो आपके बारे में कैसे सोचूंगा, तो मुझे अपने बारे में सोचने दो, क्योंकि मेरे जो अपने आप से प्यार करना जरूरी है तभी मैं आपसे प्यार करूंगा। तो ये कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अब मैं आपके कुछ सवाल देता हूं, मैंने अच्छा बोला? आप जैसे भी हैं, दिखते कैसे भी हैं, लेकिन आप अगर अपने आप के साथ कंफर्टेबल हैं तो आप पर्सनैलिटी हैं। वी आर ऑल ट्राइंग टू बी समबडी एल्स। अगर हम कुछ और बनना चाहते हैं, कुछ और जैसा बनना चाहते हैं, तो हम ना अपने आप को बनेंगे ना किसी दूसरे को बनने देंगे। तो ये बना लीजिए। मेरे एक बार दादाजी खाना खा रहे, बहुत जब मैं छोटा था, तो दादाजी खाना खाते समय आवाज कर रहे थे ऐसे रोटी दाल के साथ। तो मेरी माँ ने उनसे कहा, दादाजी आप क्या करते हो, आप बहुत आवाज करते हो खाना खाते समय, मन हम ऐसे कर रहे थे। तो मेरे दादाजी ने जवाब दिया, बेटा मुझे तो मजा आ रहा, प्रॉब्लम तेरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आज आप घर जाते सब करने लगे। लव योर पेरेंट्स। माय बिगेस्ट एसेट इज दैट आई हैव अमेजिंग रिस्पेक्ट फॉर माय पेरेंट्स। मैं जो भी आज कुछ हूं वो मेरे पेरेंट्स की वजह से, जो भी, क्योंकि उन्होंने मुझे, पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा सबसे ज़्यादा आपको हर सिचुएशन में प्यार करें, आपका ध्यान दें। और ऑल्सो पीपल हु आर चिल्ड्रन, प्लीज डोंट ट्रीट देम एज चिल्ड्रन। वो रिश्ते में आपसे बहुत आगे जा चुके हैं, उनको अगर आपको एक बहाना पता है, उनको 50 बहाने पता है। तो आप उनको, और एक्टिंग मत करिए, बाप का रोल मत करिए उनके सामने, किधर गया था, अरे वो 50 रोज रीजन सोच के आया है यार, वो आपको बेवकूफ बनाने में आपकी मदद करेगा। अगर आप उल्टा रिएक्ट करेंगे या उल्टा रिएक्ट करेंगे तो वो परेशान होंगे, किधर गया था, मैं ऐसे मैं टायर खराब हो गया था, मेरी बस खत्म हो गई थी, मैं ये हो गया था, तो क्या मम्मी उल्टी आ गई थी, मेरे को बहुत परेशानी। अच्छा अच्छा अच्छा, नाउ कंट्रास्ट हो गया, लेट हो गया, 1 बजे आना था, 1:30 बजे आना था, दरवाजा खोल, ठीक है ना, आ जाओ, तेरे लिए ऑमलेट बनाओ, तेरे लिए उसल पाव बनाओ। उसको लग रहा है मम्मा गलत रिएक्शन दे रही है, तो वो आपके पीछे चलता रहेगा, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं वो नहीं 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 क्या तू बन, मैंने तुझसे पूछा तू क्या करने गया था, तू रह, जो करना है तुझे कर, ऐसी रहना चाहिए बेटा, मैं भी तेरी उम्र की थी ऐसे कर, ऐसा करती थी। सो व्हाट आई ट्राइंग टू डू, वी प्ले क्लीशेस, वी प्ले रोल्स विच आर क्लीशेस। योर पर्सनैलिटी इज हु यू आर, योर स्ट्रेंथ इज हु यू आर, इफ यू एक्सेप्ट योर वीकनेस दैट ऑल्सो इज योर स्ट्रेंथ। क्योंकि बाल नहीं है, आपको लगता है आप ये मेरी वीकनेस है, मेरी तो इससे बड़ी ताकत की कोई बात ही नहीं है। अगर हाँ, आजकल दुनिया का सबसे बड़ा हीरो अपने बाल काट के गंजा रहना चाहता है,
अक्षय कुमार से लेकर ब्रूस विलिस तक बाल कटा के घूमते रहते, हम तो ऐसे ही थे। मेरी एक टांग इस टांग से बड़ी है, मैंने खूब बता दिया। आप मुझे आप किस चीज से डराओ? मैं तोतला था जब मैं छोटा था, अब आप किस चीज से डराओगे? मैं 10 साल पहले मेरा दिवालिया होने वाला था, मैंने कंपनी खोलनी चाहिए थी, अब आप मुझे किस चीज से डराओगे? मेरे भाई को 12 साल पहले कैंसर हुआ था और उसका अभी वो ठीक है, अब आप मुझे किस चीज से डराना चाहोगे? मुझे अंग्रेजी नहीं आती, अब आप मुझे किस चीज से डराओगे? तो अगर आपको ये पता ही नहीं लगता है कि ये मेरी कमजोरी है, तो दुनिया को कैसे पता लगेगा ये आपकी कमजोरी है? तो आपकी ताकत आप खुद हो दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय। पहली बात तो मेरा कोई कीमती वक्त नहीं है, तो ये मैं अपने आप को इम्पोर्टेंस दूंगा। मैं कहूंगा मैं अपना कीमती वक्त निकाल के आया, अरे घर पे बैठा था भैया, आज शूटिंग नहीं थी। बट आई एम वेरी हैप्पी, थैंकफुल टू यू फॉर सेइंग दैट। आई एम हैप्पी एंड ऑनर्ड दैट आई हैव बीन आस्क्ड टू कम हियर। एटलीस्ट आप जब भी अब कभी आपकी ड्यूटी अगर और जब ना हो एयरपोर्ट मुझे मिलेंगे तो गले जरूर लगाना। आप से कोई भी जो होगा बोला सर आपने बोला था। एक मुझे किस्सा, सॉरी सर, एक किस्सा मुझे आपके सवाल का जवाब देता हूँ। एक किस्सा मुझे भूलेगा नहीं। 2 साल पहले मैंने एक देश के बारे में बहुत बड़ी स्पीच दी थी, किसी को मैंने बोला था कि जज साहब को भी आप शांत हो जाइए। तो उस स्पीच से एक आदमी जो आपका आप में से किसी आपका एक सहयोगी था या आपका एक प्रतिनिधि था, वो मुंबई एयरपोर्ट पे मेरे को फ्रिस्क कर रहा था और उसने मेरे कान में कहा उस स्पीच के बाद कि सर बाहर मिलता ना तो आपको गले लगा था। ये मुझे जिंदगी में कभी भूलता नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर सर। ये जो आप फिल्म की बात कर रहे हैं ना, ये मेरी जिंदगी किस दौर से चल रही है उस पर डिपेंड करता है। अगर मुझे पैसों की जरूरत है तो मैं पैसों के लिए करता हूँ, अगर मुझे कहानी की जरूरत है तो कहानी के लिए, बट बेसिकली कहानी अच्छी होनी चाहिए। कभी कभी लोगों के लिए भी करता हूँ। डेविड धवन जब भी मुझे किसी भी फिल्म में करने को बोलते मैं करूँगा, बिकॉज आई लाइक हिम एज अ पर्सन, आई एंजॉय वर्किंग विद हिम, आई डोंट टेक माईसेल्फ सीरियसली। प्रॉब्लम इज द मोमेंट द पर्सन हु टेक्स हिमसेल्फ सीरियसली इज द मोस्ट कॉमिकल पर्सन। सो जिंदगी में 90% जो है लाइफ जो है वो मोनोटोनी है, 10% एक्साइटमेंट है। किसी की भी लाइफ में आप नहीं कह सकते कि हर इंसान की हर फिल्म कमाल की थी। तो कुछ फिल्में मुझे जैसे जो आपकी यादगार होंगी वो मेरी यादगार फिल्म है। इट डिपेंड्स, मैं इस आज के दौर में हूँ, आजकल मैं बाहर बहुत काम कर रहा हूँ, अमेरिका से बाहर। मेरी अगली फिल्म जो है वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है, डॉक्टर मनमोहन सिंह की जीवनी पर, उनके जो 10 साल की है। मैंने बहुत सारी ऐसी फिल्में की हैं कि मुझे किसी ने कहा कि ये मैं 3-3 शिफ्टें करता था, एक दिन में 3 शिफ्ट, 4 घंटे किसी को दिए, 4 घंटे किसी को दिए। तो उन दिनों वो दौर था। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट आई एम डूइंग, बट आई डोंट टेक वर्क सो सीरियसली इन टर्म्स ऑफ दैट ये मेरा रुतबा चेंज कर देंगे। हम कितना याद करते हैं संजीव कुमार जी को, हम कितना याद करते हैं मोहम्मद रफी जी को, हम कितना याद करते हैं किशोर कुमार जी को। तो मैं कोई फिल्मों का इतिहास बदल नहीं आया। फॉर मी जर्नी इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन डेस्टिनेशन। दैट्स व्हाट। थैंक यू सो मच। और कोई माइकल लाल सर, मैं आपसे सिर्फ एक अपने सारे जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनकी तरफ से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे पैरामिलिट्री फोर्स ड्यूरेशन ऑफ सर्विस, हमारे पास भी बहुत सारे हुनर होते हैं। हमारे यहाँ जस्ट लाइक हीरो का काम, कॉमेडियन, हीरोइन, बहुत सारे लोग हैं। तो क्यों ना एक हम लोगों के ऊपर एक ऐसी फिल्म बनाई जाए, स्टोरी बनाई जाए, जिससे कि हमारे मतलब फोर्स का और पब्लिक को जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब उसको उत्साहित मिले, प्रेरणा मिले। जी, आपका कोई भी इंसान मुझे अगर ऐसी कहानी देगा जिसमें ये सब चीज़ें जो आप मिश्रा जी कह रहे हैं वो होती, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा उस कहानी को किसी प्रोड्यूसर तक ले जाने की, किसी डायरेक्टर। एक चीज़ मैं जो सजेस्ट करना चाहता हूँ जो आपकी बात से मुझे मन में आई कि आई हैव एन एक्टिंग स्कूल, आई विल डू ए फ्री वर्कशॉप ऑफ एक्टिंग विद ऑल ऑफ यू वेन एवर यू वॉन्ट मी टू डू इट। देखिए एक्टिंग जब हम सिखाते हैं तो उसमें सिर्फ जिंदगी, हम एक्टिंग के बारे में नहीं सीखते, हम जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। तो आई थिंक समटाइम्स स्ट्रेस बस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके मन में कोई कहानी है जिसमें आप मेन रोल नहीं कर रहे हैं वो मुझे दे दीजिएगा। थैंक यू यस सर। जिंदगी का सबसे बड़ी फिलॉसफी है कुछ भी हो सकता है। अगर एक लंगोटी वाला आदमी
बिना किसी अस्त्र शस्त्र के देश को आजाद करा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक लड़का रोज नदी पार करके 10 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाया करता था, वही आगे जाकर भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। 27 बरस जेल में रहने के बावजूद अगर नेल्सन मंडेला उसी देश का राष्ट्रपति बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। और अगर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन सकती है तो दोस्तों मेरे, मैं ख्वाब देखना बंद नहीं करता हूं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रीम। ख्वाब बदलते रहने चाहिए क्योंकि आसमान दिखाई देता है मगर इसको छूने की ताकत आप में जरूर होनी चाहिए। और भगवान ने भी साथ दिया, मेहनत ने भी साथ दिया। मैंने नहीं सोचा था मैं जिंदगी में कभी रॉबर्ट डी निरो के हाथ में भी हाथ भी मिला पाऊंगा। आज वो मेरे दोस्त हैं, मेरे पास उनके मैसेज है। मतलब मैं रोज, मतलब एटलीस्ट हफ्ते में एक बार उनका नाम पढ़ लेता हूँ, उनका मैसेज देता हूँ। वो दो ही लाइन लिखते हैं, हाउ आर यू अनुपम। रॉबर्ट डी निरो ने भी कहा तो मुझे कुदरत पर विश्वास है, माँ बाप के आशीर्वाद पर विश्वास है, मगर मैं सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं करता हूँ। मेहनत करता हूँ और मैं सपने देखना नहीं छोड़ता हूँ। So we'll have just one last question. Due to paucity of time, there's just one last question that we'll have. So anyway, you are just 19. You will have many more children. माँ ने फिर पिताजी की तरफ दिया, देखा पिताजी ने थोड़ा और अकड़ के जवाब दिया, Yes, but why? अंग्रेज नर्स ने फिर मेरी माँ से कहा, Mrs. Kher, I don't have any child. Can I please adopt your son? Please, please, please. Can I adopt your son? माँ ने पिताजी की तरफ देखा, पिताजी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी देखकर दंग रह गए। किसी अंग्रेज को गिड़गिड़ाते उन्होंने पहली बार देखा था, मतलब मैं दुनिया में कदम रखते डिमांड में आ गया। Last question from a lady and then we will call it. You must. I'm a brand ambassador of United Nations for he, for she. It's for equal rights. So, बेवकूफ वाला सवाल पूछने में ना इंसान आदमी को डरना चाहिए ना महिलाओं को डरना चाहिए। सवाल पूछने चाहिए। Yes, madam. है कोई madam? हाँ, yes. Fantastic. Thank you. How are you? जानवी. क्या होता है स्टेज पर? आपको क्या लगता है जैसे मैं देखो आप नहीं नहीं ये नहीं बता मैंने ये सोचता हूँ मैं हमेशा जब मैं कभी बाहर नहीं नहीं मैं आपको बताता हूँ स्टेज पे से कैसे निकलते हैं आप और मैं अभी रोल करने वाले हैं एक फिल्म में ओके अभी एक्टिंग करने वाले हैं ओके आपको मुझे बोलना है भाई साहब क्या ये रास्ता बस स्टैंड तक जाता है क्या डायलॉग है बस ये ऊपर ले लीजिए अब बोलिए पहला डायलॉग तीन टेक करेंगे हम इसके तीन टेक फर्स्ट टेक सेकंड टेक थर्ड टेक तीन टेक पहला आपके मन में जो भी जज्बात आते हैं किस हिसाब से बोलना चाहिए कहाँ बोलना चाहिए ये दिन है या रात है ये हवा चल रही है ये आपका शहर है या मुंबई शहर है जो पूछने वाला जिससे पूछ रही हूँ वो किस तरह का ये मन में सोच लीजिए और आप मुझसे पूछिए जानवी एक्शन आप ऐसे हंसते हुए बोलेंगे मैं तुम्हें जरूर जाता जी आई मेरे साथ Fantastic, this is very good. So there was no stage fear. Was there any stage fear? Little bit. दिल की धड़कने तेज थी बट फियर नहीं था फियर चला गया Now you are a blind lady. Blind lady. The moment I say blind lady, the whole perspective changes. She can't see. Now you will ask me the same question with your eyes shut and come closer to me. और माइक ऊपर ले और ये भी कोशिश करो कि आप सड़क ढूंढ रहे हो अभी मैं ब्लाइंड हूं मुझे पता नहीं कि आप मेरे सामने हो कोई बात नहीं आप समझ जाओ धीरे धीरे देखा स्टेज पे आते ही स्टेज फियर कैसे जाना गया आपने नोट किया अभी तो टेक टू ही नहीं हुआ है नाम मुझे कैसे पता चलिए अभी मैं डायरेक्टर हूँ एक्टर भी आपका हूँ पता लग जाएगा आइए Fantastic. Second thing भी okay हो गया मैंने हमारा अपना फियर हमको स्टेज फियर देता है लोग तो वैसे ही हैं अब आप ये समझ लीजिए कि अपने आप सीनियर ऑफिस से आके पूछ रहे हैं वो आपको नजर में सिविलियन ड्रेस में मिल गए
वन ऑफ द सीनियर ऑफिसर हु वाज सिटिंग देयर, आप जा रही हैं, सर बोला, सर ये अब आप क्या करेंगे, मुस्कुराना मत, अब तो मुस्कुरा नहीं सकते। सडनली देखा सामने से आईजी साहब, डीआईजी साहब या डीजी साहब आ रहे हैं और आपको इनसे ही पूछना है और कोई तरीका नहीं। नाउ हाउ विल यू आस्क, एक्शन। अभी स्माइल को कट करना है, मैं बताता हूँ स्माइल का क्या रीजन है। जब हम स्टूपिड महसूस करते हैं, जब हम फियर महसूस, नो फियर, नो फियर, नो स्माइल, एक्शन। सुनाई नहीं, दोबारा बोलो, I'm the officer. सर ये रास्ता बस स्टॉप तक जाता है। और जोर से बोलो। सर ये रास्ता बस स्टॉप तक जाता है। स्माइलिंग करना। स्माइलिंग करना। सर ये रास्ता बस स्टॉप तक जाता है। सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो। सर स्माइलिंग करना। सर ये रास्ता बस स्टॉप तक जाता है? नहीं जाता। दोस्तों, I think that is the end of it. I want to thank sir, ma'am, आप हमारे ऑफिस आई, आपने हमें बुलाया, सर आपको सबको thank you very much. Live life, that's the best way to live. Time and spending with us and motivating us to do better the days to come. Sir, your mere presence has really motivated us and believe me, sir, you have an aura of positive energy. So, and you have been a constant source of inspiration and you have made us laugh and enjoy the journey of life with so much of positivism. Sir, besides your positive energy, you have spoken so many nice things with such a beautiful beginning. You have connected with us in such a nice manner and I assure you, sir, in the days to come, the CSF, the performance that it is giving, it will go a long way in doing our job in much more better way. So on this occasion, I would like to thank Shri Satish Khandare, IPS, Inspector General, CSF. एफिशिएंसी का कायल हूँ, इनकी पोलाइटनेस का कायल हूँ, इनकी अलर्टनेस का कायल हूँ और इसकी शुरुआत 1969 में 2000 ऑफिसर से हुई थी, 2000 लोगों से हुई थी और आज 1.5 लाख तक पहुँच गए हैं एंड वी नीड दिस काइंड ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज एंड ये अमेजिंग काम करता है। मेरा आज का जो लेक्चर था वो बेसिकली इन तक अपनी ज़िंदगी ने, मुझे जो ज़िंदगी ने सीख दी है वो इन तक पहुँचाना था। ऐसा तो मैं कोई ज्ञान की बात सामने सिखाना, ये अपना काम कर रहे थे मगर मुझे बहुत अच्छा लगा इनके हाथ इंटरेक्ट करके।
सर साथ ही आपने जोश और उत्साह भर दिया, आपने कहा कि देश के लिए हमेशा तत्पर रहे, भारत माता की जय बोले, शर्मिंदा ना होना कोई आम आदमी, उस पर एक बार फिर से विचार आपने? नहीं, मुझे लगता है कि मैं हमेशा वर्दी के लोगों का हमेशा मैं उनके बारे में सोच के मेरी आँखें नम हो जाती हैं और गर्व से मेरा माथा मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। मैं शिमला में रहा हूँ, शिमला में वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर्स था। मैंने बचपन से अपने अपने आसपास अपने स्कूल शुरू के दिनों में, स्कूल के दिनों में, कॉलेज के दिनों में, आर्मी में की ड्रेस में लोगों को देखा है। और जय हिंद बोलना या राष्ट्रगान गाना या उसके लिए मेरे बारे में कोई और ख्याल आता ही नहीं। तो आज वर्दी में इतने सारे लोगों को, 500-600 लोगों को देखकर ये स्वाभाविक था कि देश के राष्ट्रगान के बारे में, जय हिंद के बारे में बातें हों। और मज़ा आया आज 500-600 लोगों के साथ जनगण गाने में जो जोश आया, और जो हिमा दास को देखकर जब उनकी आंखों में आंसू थे जब राष्ट्रगान चला था, जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, तो वही फीलिंग होती है। ऐसा कोई मौका नहीं होता जहाँ तिरंगा देखकर मन में एक देशभक्ति का भावना जागे, और यहाँ तो आज स्वाभाविक था। चार साल की मोदी सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव आया है, आपकी नज़र में चार साल में कितना विश्वास जीता है सरकार ने? मुझे लगता है कि आज का दिन हमको सिर्फ CISF की बात करनी चाहिए, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि बाद में चैनल वाले सिर्फ इसको दिखाएं कि मैंने चार साल पे क्या बोला। इनके 50 साल हो गए हैं, 50 साल चार साल से बहुत ज़्यादा हैं, इनकी मेहनत बहुत कड़ी है। आई एम श्योर गवर्नमेंट अपने आप को सक्षम समझती है और जो भी वो कर रही हैं, पर आज का दिन, सारा दिन और आज का पूरा साल 10 मार्च तक सिर्फ CISF के लोगों के बारे में है। और आज अगर और किसी टॉपिक पर बात करूंगा तो वो अच्छा नहीं होगा। एक पिछले से जो आपने कहा देशभक्ति की बात कही, देश कहाँ जा रहा है, लेकिन मौजूदा हालात हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम सब चल रहे हैं, अभी आई एम टॉक टू मुस्लिम करके एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, उस पर आपके देश आई हैव कम फ्रॉम ए फैमिली विच नेवर टोल्ड मी दैट देयर आर अंडर द रिलीजन्स, वी हैव रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन्स, दैट्स अ रिडिकुलस कैंपेन। मुझे लगता है कि वो मुस्लिम्स के लिए बहुत ही उनको छोटा महसूस कराने की बात करने की, यू हैव टू पॉइंट इट आउट, ये सब बहुत ही शर्मनाक कैंपेन था मेरे हिसाब से। बट आजकल सोशल मीडिया में कोई भी कैंपेन बनाना बहुत आसान है, रोज़ हर चौथे दिन कोई ना कोई कैंपेन में ट्रेंड कर रहा होता है। तो ट्रेंड अपने काम से किए जाने चाहिए लाइफ में। बाकी वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया वेयर समडे दिस विल बिकम इम्पॉर्टेंट, आई डोंट वॉन्ट टू कॉमेंट ऑन एनीथिंग। आई एम एन इंडियन शुड बी द कैंपेन दैट शुड ऑलवेज रन इन एवरीबडीज लाइफ एंड एवरीबडीज ब्लड। किसी की धार्मिक जो उसकी वो धारणा है या उसका सोच है या उसका जो धर्म, जिस धर्म से वो पैदा हुआ है, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। एवरी डे आई एम एन इंडियन शुड ऑलवेज ट्रेंड। सर, यूपी, सर, 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 स